नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है आपका। नरवाना के नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा पॉलीथीन पर सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया है और उसी तर्ज पर जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो शहर के अंदर पॉलीथीन की जांच करते हुए कि किस दुकान पर पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं। नगर परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर है तो वो पॉलीथीन चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं दुकानों पर, साथ में लोगों को समझा भी रहे हैं। नगर परिषद सैनिटरी इंस्पेक्टर भूपेंद्र सैनिटरी इंस्पेक्टर जांच करते हुए सरकार के आदेश है जिस प्रकार से कि पॉलीथीन मुक्त किया जाए, प्लास्टिक मुक्त किया जाए, तो उसी तर्ज पर नरवाना शहर में जहां पर पॉलीथीन है दुकानों पर तो देख सकते हैं नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर भूपेंद्र साथ में अपने कर्मचारियों को लेकर जांच करते हुए पूरे नरवाना के अंदर सरकार के आदेशों के अनुसार प्लास्टिक पर जो बैन है, पॉलीथीन पर जो बैन है, हमारे गौरव जी भी साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ देखते हुए पॉलीथीन पर सरकार के आदेश के अनुसार कार्रवाई करते हुए दिखाने भी हो जाएगा। ये दो चार सैंपल ले लो, अगर कोई दुकानदार यूज करना चाहे ले लो, ये दे सकते हैं। कई दुकानों पर ऐसे पॉलीथीन मिल रहे हैं जो सरकार के अनुसार यूज कर सकते हैं, 120 माइक्रोन जिसकी क्षमता है उसके अनुसार पॉलीथीन यूज किए जा सकते हैं। अगर आप कहोगे तो चलाने नहीं बंद करेंगे ना, मैं कौन हूं कहने वाला। नहीं नहीं सरकार का बोलेगी, इजाजत तो नहीं चीज की, वाइस भरता ही नहीं सरकार का, सरकार बोलेगी जी तो इस तरह चले जाइए कहते जाइए। देख सकते हैं नरवाना की जो सराफा मार्केट है वहां पर चेक करते हुए नगर परिषद के कर्मचारी सैनिटरी इंस्पेक्टर भूपेंद्र गौरव जेई सरकार के अनुसार जो पॉलीथीन बैन किया गया है उनको चेक करते हुए। चीज का ऐसा तो होना चाहिए दुकानदार किसी चलिया में। ऊपर ये थे और इसके नीचे ये थे, दिखा दिया जी। नहीं गिलासों के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक सर, जो आपकी कुल्फी में बोतल की स्टिक जाती है वो भी अलाउड नहीं है। ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक होगा ना, फिर
गिलासों का बताओ, ये कंपनी हमारी दुकानदारी है बताओ। अब चाय वाला गिलास बेच रहे हैं, चाय वाले शादी आज शादी की पार्टी है, वहाँ गिलास आप छप्पा मारोगे वहाँ पे जो आपको मान ली हमने आपकी मान ली, जो बात नहीं मान ली है आप तो कोई दुश्मन नहीं है जो सरकार ने गिलासों के लिए मैं खोलो थी कोई मिले मैं तैयार हूँ बताओ। आप एक काम करो, आप अगर गिलासों का चलान नहीं हो तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ दिखाया नहीं हमने तो गिलासों के बारे में, किसी ने कोई नॉलेज तो बताई नहीं जी। अखबार में करवाइए तो कहाँ मैं बताओ पॉलिथिन के लिए गिलास डिस्पोजल के लिए प्लास्टिक की कह रहे हैं सर, कर ले मोदी जी कह रहे हैं, हरियाणा सरकार कह रही है, सारी सरकारें तो ये फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करानी मोदी सरकार ने, ये दो ना ये फैक्ट्री के लिए क्यों नहीं जाते, फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करानी, तेरा काम तेरा कर लिया भाई यार, ऋषि के अंदर तो ठीक नहीं आ रहा लेगा क्या करूं इसका, मैंने क्या करना है, मैं नहीं कर रहा साइंस ने इसमें इस पेपर आप पॉलिथिन की भी जो अलाउ उसके दुकान में बोरी में दिखाओ आप कहीं कोई पॉलिथिन मिले दुकान में, ये पॉलिथिन नहीं मिला, एक फोटो ले लो प्लास्टिक कंपनियां पे जमने नहीं होती सरकारियों ने, कंपनियां के छापे मारो नहीं छापे मारो। जी सर क्या कुछ कहना, क्या कर जाते हैं हाँ जी, जो प्लास्टिक गिलास मिले इसके बारे में आपको पहले बताया गया था, हमें इसके लिए कोई नॉलेज नहीं थी, पॉलिथिन हमारी दुकान में एक भी नहीं है, आप गिलास के लिए हमें कोई नॉलेज नहीं थी, अगर होते तो हम पहले ये भी बंद कर देते, सही बात है, जो चीज हमारे यानी पहले मतलब अनाउंसमेंट करनी चाहिए, अनाउंसमेंट में इन्होंने ये निकाला है गिलास नहीं हुई, तो सरकार की तरफ से जो ये चीजें बताई जा रही है गलत है सही है, क्या लगता है आपको, लेकिन हमें नॉलेज भी नहीं है, फैक्ट्री बंद कर जो चीज है फैक्ट्रियों पे आप छपा वाला या कोई ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।